उसका मृत्यु का कारण है सर, ये सब पुलिस वालों का मारपीट है और प्रशासन का दबाव है, और प्रशासन नहीं भाजपा कार्य भाजपा गृह मंत्री विजय शर्मा का दबाव है इस वजह से, और अभिषेक पल्लव माध्यम से ये सब करा रहे हैं, तो इसलिए ना अभिषेक पल्लव के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर 302 धारा, पहले तो जिस दिन उठा कर ले गए थे उस दिन मेरे आंखों के सामने इतना पीटा था कि अगर कोई अगर कहीं भूखा व्यक्ति होता तो वही तुरंत दम तोड़ देता, इतना पिटाई हुआ था। और उसके बाद ना थाना में ले जाकर भी पिटाई की है, इतना पिटाई की है कि मैं जब दूसरा दिन वहां गया ना तब मेरे को पता चला कि यहां पर इतना पिटाई, और किसी पुलिस वाले के माध्यम से मेरे को भी पता चला है कि तुमको बहुत कम पिटाई हुआ है, तुम्हारे और जो पहले आए थे उनको इतना पिटाई की है कि डंडा जो देख लो इतना डंडा टूटा है, पट्टा भी पूरा फट गया है, ऐसा करके भाई को और मेरे गाँव के जितने भी बंद अन्य बंद है जो बेगुनाह है उनको ना जबरदस्ती जेल में लाकर डाल रहे हैं और उठा रहे हैं घर से दरवाजा तोड़ तोड़ करके। जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है, कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था, और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे, और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है, तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए, और गाँव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गाँव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया, तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पर श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया, और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जाँच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा, और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां ठीक ना हो जाती हैं तब तक शासन प्रशासन की होगी।